फ्रेंड्स, मानसून हो या सर्दियां हो, क्रिस्पी और गर्मा गर्म पकौड़े खाना सभी को पसंद होता है। लेकिन पकौड़े में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लगता है, इसलिए थोड़ी सी टेंशन लगती है। अगर उतने ही और उतने ही टेस्टी पकौड़े हम लोगों को एकदम कम ऑयल में खाने के लिए मिल जाएं तो काफ़ी टेंशन कम हो जाती है। और आज जो पकौड़ों की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये टाइम सेविंग होने के साथ साथ ऑयल फ्री भी हैं, यानी बहुत ही कम ऑयल लगेगा। हाय गाइस, मैं कल्पना महेश्वरी अपने चैनल महेश्वरी रेसिपी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। एकदम नए तरीके से ये पकौड़े बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं 4 कच्चे आलू। आलू को थोड़ा सा अलग तरीके से उबालेंगे। उसके लिए एक पैन लिया और उसमें डाल दिया थोड़ा सा पानी और ये आलू रख दिए। हमें आलूओं को सिर्फ 50% कुक करना है, पूरी तरह से कुक नहीं करना है। और बस पैन का ढक्कन लगाकर हम इसे 5 मिनट तक पका लेंगे। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी पका सकते हैं, बस एक ही सीटी लगाएं। और ये मैंने ले लिया है 1 कप जितना बेसन। और अब इसमें डालेंगे कुछ बेसिक से मसाले। सबसे पहले डाला टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 टीस्पून जितनी लाल मिर्चें और 1/2 टीस्पून डालेंगे हल्दी पाउडर। उसके बाद बारी है इसका घोल बनाने की। और घोल बनाने के लिए मैंने लिया है पानी, इसमें 3 कप पानी लगेगा। 2 कप तो हम पानी डालेंगे और 1 कप डालेंगे हम बटर मिल्क। लेकिन 1 कप पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे लम्स वगैरह ना बने। अगर सारा पानी एक साथ डाल दिया तो बहुत ज़्यादा लम्स बन जाएंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालें, अच्छे से मिक्स कर लें। और ये लीजिए घोल बनकर तैयार है। और ये 3rd कप मैंने लिया है बटर मिल्क का। अगर आपके पास खट्टा दही है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिससे जो पकौड़े बनेंगे बहुत ही टेस्टी बनेंगे, इसमें सारे फ्लेवर आएंगे। और लीजिए घोल बनकर तैयार है। 10 मिनट के लिए रेस्ट होने छोड़ देते हैं। और इस बीच जो हमने आलू उबाले थे ये भी उबल चुके हैं, बस आलूओं को हम छील लेंगे और उसके बाद हल्का सा ठंडा कर लेंगे। और लीजिए आलू उबल भी गए और कुछ ठंडे भी हो गए हैं, क्योंकि हमें इसे ग्रेट करना है। अगर गरम गरम ग्रेट करेंगे तो हाथ ही जल जाएंगे, इसलिए ठंडा भी ज़रूर कर लें। और बस उसके बाद थोड़े प्रेशर से हम आलूओं को इस तरीके से ग्रेट कर लेंगे, जिससे इस पर जो लच्छे आएंगे, यानी जो ग्रेट होकर नीचे आलू आएंगे, काफ़ी इस तरीके के आएंगे जो हमारे जो पकौड़े बनेंगे उसमें बहुत बढ़िया लगेंगे। और लीजिए सारे आलूओं को बस इसी तरीके से कद्दूकस कर लेंगे। और लीजिए आलू तो हमारे कद्दूकस हो चुके हैं। और इसी बीच हमारा ये जो घोल रखा था ये भी अच्छे से सेट हो गया है। अब क्या करेंगे, इसे पकाने की तैयारी। और उसके लिए गैस ऑन करी, उसके ऊपर कढ़ाई रखी और कढ़ाई में डाल देंगे 1 टेबल स्पून जितना कुकिंग ऑयल। बहुत ज़्यादा ऑयल ना डालें। और जैसे ही ऑयल गर्म हुआ उसके अंदर डाली 1/2 टीस्पून मस्टर्ड सीड। और ये लिए हैं 2 हरी मिर्चें, काफ़ी तीखी मिर्चें हैं, ये भी डाल दी। और अच्छे से इसे चटका लेते हैं। और ये लिए हैं 8-10 करी पत्ते जिसे बारीक बारीक काट लिया है, ये भी डाल दिए। और सब चीज़ें अच्छे से चटक चुकी हैं। और ये मैंने लिए 2 टेबल स्पून जितनी हरी मटर जिसे हल्का सा क्रश कर लिया है। मटर कच्ची है, इसे भी 1 मिनट पका लेते हैं। और लीजिए मटर भी अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे वो बेसन का बैटर जिसे हमने अच्छे से तैयार करके रखा था और वो बिल्कुल बढ़िया रेस्ट कर चुका है। बेसन पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन जल्दी पकाने के चक्कर में आप ऐसा ना करें कि पानी बहुत कम डालें। और जैसे ही इसमें एक उबाल आया हमने डाल दिए ये कद्दूकस किए हुए आलू। और आलू डालने के बाद आप एकदम सॉफ्ट हाथ से इसे उल्टे पलटे, क्योंकि इसमें जो आलू के लच्छे हैं वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और थोड़ा अलग सा भी टेस्ट करते हैं। वैसे तो क्या है, आप उबले हुए आलू भी ले सकते हैं, लेकिन इसकी बात ही अलग आती है। एकदम सॉफ्ट हाथ से उलट पलट कर हम इसे करीब 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और देखिए आलू काफ़ी अच्छे से पक चुका है, यानी कि जो बैटर था काफ़ी अच्छा पक चुका है। और अब देखिए सिर्फ 3 से 4 मिनट हुए हैं और ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। 1 मिनट और पकाएंगे। और उसके बाद हम एक टिन लेंगे और उसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे ये अच्छे से ग्रीस होगा हमारा जो तैयार बैटर है वो हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर आपके पास टिन नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे किसी प्लेट वगैरह में जमा सकते हैं। बस अच्छे से सेट होना चाहिए। और थिकनेस रखेंगे हम इसकी करीब 1 से 1.25 इंच की। बहुत ज़्यादा पतले पतले पीस ना करें, वरना अगले प्रोसेस में टूटने का डर रहेगा। और लीजिए बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। और उसके बाद हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए सेट कर लेंगे। सेट होने में बहुत ही कम समय लगता है। और लीजिए 10 से 15 मिनट भी नहीं लगे, सिर्फ 5 से 7 मिनट में ये अच्छे से सेट हो चुका है। उसके बाद एक नाइफ लिया और नाइफ से इस तरीके से हम इसकी बर्फी जैसी काट लेंगे।
और बहुत छोटे छोटे पीस नहीं काटेंगे, थोड़े से बड़े बड़े, क्योंकि हम बर्फी नहीं बना रहे हैं, हम तो नाश्ता बना रहे हैं। और लीजिए, ये सभी पीस अच्छे से कर चुके हैं और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बढ़िया सेट हुए हैं। और उसके बाद बारी है इन्हें सैलो फ्राई करने की। उसके लिए गैस ऑन करी, उसके ऊपर एक पैन रखा और पैन में हम डाल देंगे 2 से 3 टेबल स्पून जितना कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो बस इसे जिस समय ये हमारा तैयार है आप इसे रख सकते हैं, और जब कभी गेस्ट आए या आपको गर्मा गर्म खाना हो बस आप उसी समय से सैलो फ्राई कर लीजिए, आपका पूरा का पूरा समय बच जाएगा। और वैसे भी बनाने में बहुत ही कम समय लगता है, फटाफट फटाफट सारे काम हो जाते हैं। और ये लीजिए, बस उलट पलट कर हम इसे अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। और देखिए कलर बहुत ही बढ़िया आया है। हाफ कुक आलू लिया था इसलिए ऑयल को भी बहुत ही कम एब्जॉर्ब करते हैं। बस जैसे ही अच्छा कलर आया डिश आउट कर लेंगे। ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी हैं और अंदर से एकदम सॉफ्ट से हैं, इसलिए खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। एक बैच और सीख गया, इसे भी डिश आउट कर लेते हैं। और ये लीजिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी, हमारे ये एकदम अलग तरीके के पकौड़े, कटलेट आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, बनकर तैयार हो चुके हैं। और देखिए ऊपरी लेयर काफ़ी क्रिस्पी सी है, अंदर से एकदम सॉफ्ट से है, माउथ वाटरिंग। हरे धनिया की चटनी टमाटो केचप के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। इस बारिश आप इस तरीके से इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, फैमिली को बहुत पसंद आएगी। और उसके बाद फीडबैक में मुझे भी बताएं कि रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। उम्मीद है रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड फैमिली में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी के निशान होता है उसे भी प्रेस कर दें। उससे फायदा ये होगा कि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।